किए बांटिब बिजेडी टिकेट? प्रदीप पुरोहित विस्फोरक बयान। निर्वाचन को आहुरी ढेर दिन बाकी थिले भी प्रमुख राजनैतिक दलों प्रस्तुति राज्य राजनीति को उष्म कर रखी, विशेषकर शासक दल बिजेडीर प्रस्तुति स्पष्ट बारी हो पड़ी। किंतु एतिक बेले बिजेडी और राज्य सरकार को तेरेछा बाण मारी बीजेपी नेता प्रदीप पुरोहित अभियोग कर लोके बिजेडी और नवीन पट्टनायक भोट देता बेले दल एवं 5G सचिव हाथ को चली जाइए। बिजेडीर बड़ बड़ नेता असंतुष्ट अच्छा व्यक्तिगत भाव में प्रतिवाद करु मुह खोलूना। 147 विधायक और 21 सांसद पदरे किए लड़े से टिकेट सचिव हाथ में, से ही टिकेट बांटे जी विरोध करे ना कटिजी से नेता मुह बंद। 147 एमएलए 2024 किए लड़े, 21 सांसद किए लड़े, साधा टिकेट रे साधा टिकेट पांडियन को हाथ में अच्छी, मुख्यमंत्री को दस्तखत हो सारे टिकेट बांटे पांडियन, से माने समस्ते चुप अच्छा कहीं विरोध करेंगे ना 2024 पर्यंत आप लिखिकी रखत। 2024 आज जदि चित्र ठीक अच्छी घड़ी ठीक अच्छी मु नव दास हत्याकांड विषय भी से समय वक्तव्य देखी जदि ठीक अच्छे 2024 जदि विजु जनता दल भी ये जितब ओडिशा रे ताहले मुख्यमंत्री चौधरी अन्य के जने बसी थिबे आप घटना देखिबे 2024। बीजेपी रो अभियोग बीजेडी रो खंडन, कटाक्ष कले बीजेडी विधायक, मुख्यमंत्री 5G सचिव और टिकेट बंटा को नहीं प्रदीप पुरोहित अभियोग आणिबा परे कटाक्ष करिसेंति बीजेडी विधायक परशुराम दड़ा। कहिसेंति दल रे केही असंतुष्ट नाहंती, बीजेपी जो अभियोग आनी संपूर्ण मिथ्या और अपप्रचार, लोकों सहिता और लोकों द्वारा आदृत होता व्यक्ति दल ने टिकेट पाती। 5G सचिव टिकेट दबा कथा संपूर्ण मिछ, बीजेडी नेता नवीन पट्टनायक आगामी निर्वाचन में बीजेपी हार स्वीकार कर सारा, स्वप्न 120 को खसला। 5G सचिव हाथ में टिकेट ये हूँ मिछा कथा एवं पूरा कल्पकल्पित कथा कहले ठीक हे। बीजेपी औषध विकल ताटिया कामुड़ी, सी देखुची जे आगामी दिन में सी हार स्वीकार कर सारे, तांकर विधायक मैंने कही सारे 120 प्लस कहते बर्तमान 80 की खसी आसे यूठ जापर थे आपर स्थित कौ जगार पहुँचला। ओडिशा शासक दलर टिकेट पाइबा बहु नेता आशायी अच्छा, एपरिक गोटे गोटे विधानसभा क्षेत्र में एकाधिक प्रार्थी टिकेट आशायी कहु चर्चा हो प्रदर्शन भल ना लोकप्रियता कम रही एथर से टिकेट कटिपे तेज दल पक्ष एने कौन सूचना दि जाए ना, कि चर्चा विरोधी को आलोचना करने को सुजोग आनी। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन विनय और संजय ज्योतिप्रकाश दास और देवाशीष सस्मल रिपोर्ट कनक न्यूज़।